देने के बाद भी, उसके बाद भी यदि विपक्ष पर आरोप लगाए तो मैं समझता हूँ फिर मेरे को भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं इतना डाइल्यूट होकर के सबके सहयोग करूँ, उसके बाद भी यदि आरोप लगे तो फिर तो आरोप लगाते रहिए। मैं इन आरोपों का खंडन करता हूँ, इन आरोपों की निंदा करता हूँ। आसन है, आसन की हम कोई किसी प्रकार की हमारी मंशा नहीं है, पर मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएंगे, आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं, आपसे ही कहेंगे। और रात को कहने का मकसद यही था, या प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है वो बाहर यूट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है, बाद में हम उसको निकालते हैं तो निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। एक मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत सब थे उसी समय निकाल देते, बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती जितनी बात बढ़ी। पता तो करूंगा, पहले देखूंगा पता। आपके सामने आप आसन पे थे, आप आसन पे विराज रहे थे, मंत्रियों ने क्या क्या, आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन की जो कोई किसी प्रकार का अपमान हो, कोई निंदा हो, आसन का कोई आक्षेप लगे, हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सदन है, जो आसन है, वो विपक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करे। और रही बात अविश्वास की, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे। अध्यक्ष जी ये भी मैं कहना चाहूंगा, लेकर के आइए ना, आपको चुनौती देता हूँ, लेकर के आइए। चुनौती क्या है? चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। आज ही लाइए, हिम्मत है तो लाइए, फिर वही बात है, हिम्मत है तो लाइए। आपको बात सुननी पड़ेगी आसन के ऊपर, इससे पहले कभी गलत तरीका, ये गलत तरीका। हम भी विपक्ष में रहे थे, आसन पर आरोप सहन नहीं किया जाएगा, आसन पर आरोप नहीं सहन किया जाएगा। कैसा व्यवहार हुआ था, हम 5 साल विपक्ष के अंदर थे, सामने वाली सीट पे हम बैठे थे, हमारे साथ मानी जी आपको आसन को दुरुस्त करते हुए हम बैठे थे 5 साल विपक्ष के अंदर, हमें पता है कि इस आसन से हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ था, हमारे साथ कैसे भी हम जानते। 5 साल विपक्ष में हम भी रहे थे। सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है।